सो अभी हमें स्टार्ट क्या करना है गाइस, बिटवाइज ऑपरेटर। बट याद रखिए, इफ यू वांट टू वर्क विद बिटवाइज ऑपरेटर, वी शुड हैव टू नो फॉलोइंग थिंग्स। देखिए, अगर आपको लगता है कि बिटवाइज के साथ काम करना है तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्या पता होने चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए, राइट और नॉट। सो बिटवाइज के साथ अगर हमें काम करना अगर होगा तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए नंबर सिस्टम्स। देखिए क्या क्या पता होना चाहिए गाइस, यस वी नीड टू नो द नंबर सिस्टम फर्स्ट क्या पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, कन्वर्जन बिटवीन डेसिमल टू बाइनरी और अ बाइनरी टू डेसिमल, ये इंपॉर्टेंट। डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन है इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, आपको बाइनरी ऑपरेशंस पता होने चाहिए, बाइनरी एंड और अननॉट ऑपरेशंस वगैरह पता होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड फिफ्थ, आपको ट्रूथ कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी चीजें अगर पता है तो ही हम बिटवाइज ऑपरेटर के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर स्टार्ट करने के पहले इस सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, देन विल स्टार्ट बिटवाइज ऑपरेटर। देखिए क्या होगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बट उसके रीजन की वजह से हम एक बार पूरे बेसिक पॉइंट्स क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो अभी हम सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम्स। ये कॉलेज लाइफ में आपने पढ़ा है, यस और नॉट? अगर मान लीजिए कोई अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, तो आप क्या बताएंगे? देखिए क्या कहा हमने, नंबर सिस्टम। सो वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नंबर सिस्टम। भाई नंबर सिस्टम क्या है बताइए। जैसे हम कहते हैं ना, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल होता है, हेक्साडेसिमल होता है या डेसिमल होता है, चार नंबर सिस्टम्स हैं। बट उसके पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि नंबर सिस्टम क्या है, बताइए व्हाट इज द नंबर सिस्टम गाइस, बोला लोग क्या है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, विज्ञान से नंबर सिस्टम का मतलब यह होता है कि किसी नंबर को कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। विज्ञान से नंबर सिस्टम मीन्स राइट टू डिसाइड हाउ यूजर वैल्यूज रिप्रेजेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, और हाउ राइट नंबर्स और वैल्यूज रिप्रेजेंट बाय कंप्यूटर कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। हम किसी भी वैल्यू को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये डिसाइड करना, इसे टेक्निकली क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर लिखा कि 9 लिखा है मैंने, तो ये 9 एज इट इज कंप्यूटर में स्टोर नहीं होगा। मतलब हमने 9 दिया है बट सिस्टम के अंदर इसे स्टोर करने का कुछ अलग फॉर्मूला होगा, हम उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। सो बेसिकली वी हैव, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स और वी हैव 4 वेज टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन कंप्यूटर सिस्टम्स। इज इट क्लियर माय पॉइंट, कितने देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। देखिए नंबर सिस्टम की बात अगर हम कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम के कितने टाइप्स आते हैं, 4। ऑनलाइन समझते का हेलो यस स्टूडेंट्स, बोले जा रहे बोले जा रहे आता नहीं बोला इसे बोलो सर समझते हैं। देर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे पहला क्या है, डेसिमल। दूसरा क्या है, बाइनरी। थर्ड वन इज ऑक्टल एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स। सो दीज आर द मेजर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स इफ यू वांट टू वर्क विद। अभी यहां सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डेसिमल नंबर, डेसिमल का मतलब क्या होगा। देखिए डेसिमल का नंबर मतलब है, डेसिमल नंबर मींस बेसिकली जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होती है, नेचुरल नंबर, यस और नो?
डेसिमल नंबर मीन्स वैल्यू बिटवीन क्या 0 to 9, वैल्यू बिटवीन 0 to 9 कॉल्ड एज द डेसिमल नंबर्स, यस आर नॉट? एंड द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर सिस्टम कि जिसके अंदर कितने डिजिट्स आते हैं, 0 to 9 आते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है ये क्या है गाइस, बेस क्या है 10 है। फिर यहां पे दो क्वेश्चन आते हैं, यहां पे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये हुए व्हाट इज द बेस, यस आर नॉट? एंड व्हाई यूज द बेस, पॉइंट। देखिए मैंने क्या कहा, नंबर सिस्टम में अभी हम पहला टाइप सीख रहे हैं, कौन सा? डेसिमल नंबर। सो मैंने कहा डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसी नंबर सिस्टम है कि जिसके अंदर 0 to 9 डिजिट्स आते हैं, गेटिंग माई पॉइंट? बट हमारे पास यहां पे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है कि यार डेसिमल के अंदर 0 to 9 डिजिट आते हैं और उसका बेस कितना है, 10 है। फिर वी हैव अ टू क्वेश्चन, भाई बेस क्या होता है एक, और बेस का यूज क्या होता है ये दूसरा। दीज आर द वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज अ क्लियर और नॉट? तो मुझे ये कहना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बेस गाइस, बेस का मतलब क्या है? वी कैन से बेस इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन अ नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन अ नंबर सिस्टम। देखिए बेस का मतलब क्या है कि उस नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये आइडेंटिफाई कर, 0 to 9। देखिए वैल्यूज कितने हैं, 9 है, बट डिजिट कितने हैं, पढ़ाया था मैंने, डिजिट कितने हैं 10। तो बेस इंडिकेट द नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन अ नंबर सिस्टम कॉल्ड एज अ बेस, मतलब उसके अंदर कॉल्ड एज अ बेस। जैसे कंसिडर करना, मान लीजिए मैंने अगर यहां पर अगर आपसे कहा कि 0 to 9 है, 0 to 9 की बात अगर हम कर रहे हैं तो 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, 10। ये हमने रेंज के समय पे काफी अच्छे से डिस्कस किया है। अभी दूसरा पर्पज ये है कि व्हाई यूज द बेस, ठीक है बेस समझ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं नंबर सिस्टम में हम उसे बेस कहते हैं। बट अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ना, क्या व्हाई यूज द बेस, बेस का यूज क्या है? याद रखिए ऐसा कहते हैं कि बेस इज यूज फॉर आइडेंटिफाई नंबर इन अ नंबर सिस्टम। अभी किसी नंबर सिस्टम को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो बेस का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वैल्यू और मैंने अगर इसके नीचे 10 लिखा, देखिए यहां नहीं करते, जस्ट वेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेस गाइस? वी कैन से द पर्पस ऑफ द बेस इज टू आइडेंटिफाई द नंबर इन नंबर सिस्टम। जैसे इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, चलिए इसे कॉपी करके हम पेंट में लेके जाते हैं और मैं आपको यहां पर डिटेल में समझाता हूं, इज इट क्लियर, यस और नॉट? चलिए जैसे थिंक करना, मान लीजिए मैंने यहां पे ऐसे लिखा, थिंक इट, हमने यहां पे ऐसे लिखा है, और मान लीजिए मैंने अगर लिखा ऐसे कोई वैल्यू मैंने लिखी है, थिंक, देखिए नहीं समझ देख मतलब संग, अभी इस 10 से हम ये पता लगा सकते हैं ये बेस है, ये क्या है इस 10 को आप यहां जो नीचे लिखते हैं बेस है। और देखिए यहां से यूजिंग दिस बेस वी कैन कंसिडर वैल्यू इज अ टाइप ऑफ डेसिमल नंबर, यस और नॉट? कोई अगर आपसे कहेगा क्या जरूरत है अगर हम बेस नहीं देते हैं, मैंने अगर लिखा 1 2 3 4 तो भी मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि ये क्या है, डेसिमल है, तो बेस की क्या जरूरत है? एग्जाम्पल बताता हूं, अब ये बताया हमने बहुत बार पढ़ा कि बाइनरी में कौन से नंबर्स आते हैं, 1 1 0, मैंने अगर लिखा 1 0 1 0 व्हाट इज दिस, ये बाइनरी या डेसिमल है? ये डेसिमल भी हो सकता है, बगा एकम दम से तक 10,000 101 ऐसा भी हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर मैं इसे नॉर्मल तरीके से काउंट करूं तो मैं क्या करूंगा, 10,101 और नॉट, तो ये बाइनरी भी हो सकता है या ये डेसिमल भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर मान लो मैं अगर यहां पे इसे ऐसे अगर मैं लिखूं
तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसे काउंट करते समय हमारे नंबर से करने, अगर मैं यहां पे 2 लिखूं तो मैं समझूंगा ये डेसिमल नहीं है, ये बाइनरी है। मतलब याद रखना बेस का गोल क्या है। बेस हमें यह बताता है कि जो आपने नंबर लिखा है ये कौन से कैटेगरी में जाता है, यस और नॉट, इज इट क्लियर, ये कौन से कैटेगरी में जाएगा ये बताता है। देखिए आई अंडरस्टैंड, मतलब ये बहुत सारे रियल टाइम एग्जांपल, देखिए मतलब इनका पर्पज ये है कि आप उस नंबर को देखते समय ही समझना चाहिए कि ये क्या है, आपको किसी ने बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल बताइए, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ऐसा लॉजिक लगाते हैं भाई कि कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, यस, दाढ़ी वाड़ी बना के रखी है, भगवे कपड़े हैं, हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई बाबा है, साधु मानुष है, यस और नॉट। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है पूरा लाइक सोने की चैन वगैरह है, कड़ा गड़ा है, दाढ़ी है, राइट, और इधर से बाली वगैरह है, तो व्हाट हैपन, हम नॉर्मली बोलेंगे अलग कैटेगरी का आदमी है। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, मतलब देखिए हर एक फील्ड का अपना लुक है। अगर कोई आदमी मान लीजिए कि जैसे कि जगवार वगैरह लेके घूम रहा है, तो 99% हम ये बोल सकते हैं बिजनेसमैन। आर गेटिंग माय पॉइंट, मतलब देखिए नॉर्मली हमने कैटेगराइज कर दिया है, मतलब नॉर्मली बहुत बार ऐसे ही होता है ना। देखिए इसीलिए तो बहुत बार क्या होता है ना कि जब आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं तो आप ऐसे शर्ट के बटन वगैरह ओपन करके जाएंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। व्हाटएवर, मतलब आप जहां पे अगर आप आईटी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपका पहरावा अलग तरीके से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन, याद रखिए। मतलब ये बेस का हमें एग्जाम्पल क्या होता है, बेस का मतलब ये है कि वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ नंबर वी हैव। तो यहां पे मैंने 10 लिखा तो मैं कहूंगा कि ये डेसिमल है, इज इट क्लियर। तो बेस का मतलब दो चीजें हमने क्लियर की है। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, बेस का मतलब पहला हमारा पॉइंट क्या है गाइस, कि बेस क्या है, मतलब उस नंबर सिस्टम के अंदर कितने डिजिट प्रेजेंट है, हम उसे टेक्निकली बेस कहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बेस का पर्पज क्या है, उस बेस के जरिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैंने जो नंबर लिखा है उसका कैटेगरी क्या है। नाउ वी हैव वन मोर बाइनरी डेटा टाइप, बाइनरी नंबर सिस्टम। व्हाट इज द बाइनरी नंबर सिस्टम गाइस, वी कैन से अ बाइनरी नंबर सिस्टम मींस इट कंटेन ओनली 2 डिजिट्स, 0 and 1, सो द बेस ऑफ बाइनरी इज 2। इसीलिए बाइनरी नंबर सिस्टम की बात अगर मैं कर रहा हूं तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है, याद रखना बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमारा 2 होगा। जैसे थिंक करना, मान लीजिए मैंने अगर यहां पे अगर ऐसे लिखा 1010, और मैंने अगर यहां पे ऐसे अगर लिखा 2, अगर हम लिखते हैं, सो 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, इससे हम कहेंगे बाइनरी नंबर। आपने इसे बाइनरी नंबर आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि यार हमने कहा कि जिसका बेस 2 होगा आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो क्या है, बाइनरी है। आई अंडरस्टैंड, यस और नॉट, यस, इट्स वेरी सिंपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इज इट क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद वी हैव ऑक्टल नंबर। व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल का मतलब क्या है कि जिसके बीच में, वी कैन से ऑक्टल नंबर सिस्टम मींस इट कंटेन 0 to 7 वैल्यूज। ऑक्टल के बीच में क्या होगा, 0 to 7 वैल्यूज है। हमें पूरा नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही नंबर सिस्टम पढ़ना है जितना हमें बिट वाइज के लिए लगेगा, यस और नॉट। देखिए वी कैन से ऑक्टल नंबर सिस्टम मींस इट कंटेन 0 to 7 वैल्यूज, सो द बेस ऑफ ऑक्टल इज 9, 8 कितना होगा, सो द बेस ऑफ ऑक्टल इज 8। देखिए मान लो अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा, अब देखिए मैंने अगर यहां पे आके अगर मैं लिख रहा हूं, समझते नहीं, यस और नॉट, ऑनलाइन बोल जा 1, 2, 3, 4। अब यहां पे अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 इज बिटवीन 0 to 7 एज वेल एज इट बिटवीन 0 to 9 और नॉट।
तो अभी देखिए बेस अगर नहीं होता तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये ऑक्टल है या डेसिमल है या हेक्सा है। सो व्हाट हैपन गाइस, ऐसे केस में इसीलिए तो हमें इन्होंने बताया कि आप रिप्रेजेंट करते समय इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करें, यहां आप एट लिखिए। इस एट की वजह से समझ में आता है कि ये कौन सा कैटेगरी है, ऑक्टल। आर यू अंडरस्टैंड, यस और नो? इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। We have here hexadecimal number system. What is hexadecimal numbers? Hexadecimal का मतलब क्या है? We can say hexadecimal number system means it contain a value between 0 to 15. इसमें number of values कितने हैं students? Yes, it contain a values between 0 to 15 and from 10. From 10, consider A to F. Means 10 equals A, 11 is a B, 12 is a C, 13 is a D, 14 is a A, and 15 is a F. अगर हमने F लिखा तो आप इंटरनली क्या मानेंगे? 15 मानते हैं. So it contain total number of digits कितने? 16 है, 0 to 15 कितना होगा? 16. So the base of hexadecimal is 16. Are you understand? यहां पे आने के बाद एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने अगर लिखा 10 या ये बी 4, 5, और अगर मान लो मैंने अगर यहां पे इसे ऐसे रिप्रेजेंट अगर किया 15, तो ये क्या है? हेक्साडेसिमल. क्या मतलब है? इसका मतलब 10, 12, 4, 5 ऐसा होगा, याद रखिए. क्या मतलब है? 10, 12, 4 एंड 5, दैट इज योर हेक्साडेसिमल. सो वी कैन से वी हैव अ 16. ये मेरे से वापस से गलत हुआ. क्या चाहिए? 10, 11. यहाँ बराबर लिखा है ना? हाँ, 10 and 11. सॉरी, रॉन्ग लक्ष्य है तुमसे क्लास में. असल में लगन, इज इट क्लियर टू माई पॉइंट? यस. सो ये हेक्साडेसिमल. सो हाउ मेनी वी हैव? फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. कौन से गाइस? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा. इज इट क्लियर? यस.